our channel. Today we will discuss class 8 Indian polity, that is Indian constitution. Why we need a constitution? आज हम देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हम पिछले सेक्शन में क्या किए थे, जो फेडरलिज्म था वो हम बताए थे. अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय पीपल. तो क्या कहते हैं जो हमारा, जो हमें कौन गवर्न करता है? सिंपली आप बोल सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है स्टेट में अंदर, वो रूल करते हैं. वो कुछ रूल बनाते हैं जो सारे लोगों के लिए इम्प्लीमेंट होता है. तो वो चीफ मिनिस्टर बने कैसे, वो प्राइम मिनिस्टर बने कैसे, कैसे बनते हैं वो, हमारे क्या कर रहे हैं, हमने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना. जैसे कि हम MLA और MP को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. 18 ईयर्स के बाद लोग चुनते हैं अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. उस रिप्रेजेंटेटिव में से जो संख्या गरिष्ठ होगा, जो मेजोरिटी पार्टी का होगा, वो ही बनेगा चीफ मिनिस्टर, और जो उसका लीडर होगा वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनेगा. समझ में आया? तो ये है हमारा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंटरी, पार्लियामेंट इसका मतलब पार्लियामेंट जो है, तो तीन लोगों को लेकर पार्लियामेंट हमारा बना है, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा एंड प्राइम प्रेसिडेंट. लोकसभा जो है नीची सदन है, और राज्यसभा जो है उच्च सदन है, और जो प्रेसिडेंट है वो आलंकारिक मुख्य होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव उनके, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलकर ही पार्लियामेंट बना है. तो ये जो तीनों में जो लोग जाते हैं, वो लोग कैसे जाते हैं, वो लोग हमारे वजह से जाते हैं. इसका मतलब ये है कि हम जिसे चुनते हैं वो ही जाकर बनता है, उसका MP बनता है, और जो पार्लियामेंट का एक मेंबर बनता है. और जो पार्लियामेंट होता है उन वो सारे पार्लियामेंट के मेंबर बैठकर एक रूल लाते हैं. समझ में आया? रूल लाके हमें गवर्न करते हैं, हमें रूल करते हैं लोगों. तो हमारा जो गवर्नमेंट है पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसका मतलब है कि जो 18 ईयर्स के बाद सारे नागरिक अपने अपने अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रतिनिधि को चयन कर सकते. योर क्लास 7 बुक बिगेन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वाज स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट. आपको समझ में, आपको याद आ रहा है कि कांता इलेक्शन में खड़ी हुई थी, जिसके बच्चे को रोग था, बीमार था, तो ये बोल रहे थे कैसे इक्वलिटी क्यों सबके लिए नहीं है, वो चैप्टर था, अन इक्वलिटी चैप्टर में देखेंगे. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसमें क्या कर रहा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को गारंटी देता है. इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सभी लोग एडल्ट, इसका मतलब है कि 18 ईयर्स के ऊपर, 18 और 18 ईयर्स के ऊपर सफरेज, इसका मतलब आपके पास वोटिंग है, आप चुन सकते हो. सफरेज मतलब आप चुन सकते हो, आप सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है. तो 18 ईयर्स के बाद सभी नागरिक, उसका कैस्ट क्या हो, उसका सेक्स क्या हो, उसका रिलीजन क्या हो, वो कोई भी हो, वो कुछ भी हो सकता है, मगर वो 18 ईयर्स के बाद सभी नागरिक, सभी सिटीजन क्या कर सकते हैं, अपना प्रतिनिधि चयन कर सकते, अपना प्रतिनिधि को वोट दे सकते. व्हेन दे मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फेल दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एंड दैट दिस वुड हेल्प एनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था, तो वो बोल रहे थे कि देखो जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इस फ्रीडम स्ट्रगल से हम अपने हमने एक बात सीखी, क्या कि हम भी अपने प्रतिनिधि को चयन करना चाहते हैं, हम भी हमारे लीडर को चूज करते हैं, लीडर को चूज करते हैं. तो इस क्यों ना हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को अडॉप्ट करें, उसको एक्सेप्ट करें. उसके बाद क्या हुआ, तो एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट हुआ. डेमोक्रेटिक मीन्स पीपुल के लिए, डेमोक्रेटिक इज द फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल. एंड ब्रेक द क्लचेस ऑफ ट्रेडिशनल कैस्ट क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज. इसका मतलब ये है कि जो रिच क्लासेस होते हैं, जो कैस्ट होते हैं, जो हायर कैस्ट, लोअर कैस्ट, इनके पास पावर क्या क्या होता था, पावर सेंट्रलाइज होता रहता था, पावर उनके हाथों में ही रहता था, मगर जो अलग जो बाकी रह गए थे लोगों, उनके पास कोई भी पावर नहीं था. तो इसीलिए हमने हमारा क्या किया, एक डेमोक्रेटिक माइंड सेट थे. क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि जो सोशल का इलनेस हो, जो सोशल बैकग्राउंड हो, वो चाहे किसी भी सोशल बैकग्राउंड का हो क्यों नहीं, वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है. कंटेस्ट करके जो अपनी वो अपनी जो इच्छा होती है, जो जैसे कि लोगों को सेवा करना चाहते हैं, वो कर सकता है. अगर वो सपोज वो एक लोअर कैस्ट का होगा, तो अगर वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेगा, उसके पास पावर आएगा, तो लोग डेफिनेटली उसका क्या करेंगे,
रेस्पेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि उसके पास पावर है, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल। देखो हमने चुनकर एक लोगों को एमपी बनाया, एक लोग को हमने एमपी बनाया, तो हमारा कोई भी असुविधा होगी, हमारा कोई भी दुख होगा तो हम किसे बताएंगे? उस एमपी को बताएंगे। तो वो एमपी क्या करेगा, जो हमारा जो असुविधा है उनको हमें साथ देगा। अगर वो नहीं देगा तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों? क्योंकि तुमने हमारा वोट लिया है तो तुम ये काम अल्पत जरूरी करना चाहिए, तुमको ये काम जरूरी करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की सुविधा होगी, बेनिफिट होगी, ठीक है। दिस रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल। अकाउंटेबल इसका मतलब आपको समझ में आया कि आप अगर आपको जैसे चुन कर भेजे हो, क्यों चुन कर भेजे हो, क्यों? क्योंकि आपको आपको सुख में दुख में आपकी कुछ परेशानी है, जैसे कि अस्पताल बनाना है, रोड बनाना है, आपको ये समस्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वो दिक्कत को दूरी करने के लिए वो क्या करेगा, कुछ योजना लाएगा, कुछ फंड देगा, इस सब के लिए आपने उसको चुना है। अगर वो अगर आपका काम नहीं करेगा तो आप उससे क्वेश्चन करोगे कि नहीं, क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो वो भी काम करेगा, काम करने के लिए बाध्य है, बाउंड है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो लोग उसे क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसको अपोज करेंगे, उसको विरोध करेंगे, और वो नेक्स्ट टाइम अगर इलेक्शन में कंटेस्ट करेगा तो वो नहीं जीतेगा, समझ में आया? तो यू लिस्ट आपको पढ़ेंगे कि कैसे रिप्रेजेंटेशन जो हम जो चुनते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन कैसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के लिए, डेमोक्रेटिक के लिए वो हम जो लीडर चुनते हैं, वो चूज करते हैं, वो कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट समझ में आया, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ में आया। पार्लियामेंट का मतलब है कि हम अपने प्रतिनिधि को चयन करके भेजेंगे पार्लियामेंट, वो जाके रूल बनाएगा। अगर वो कुछ भी गलत करता है और उल्टा सीधा करता है तो हम उसे सवाल पूछेंगे, वो हमारे पास अकाउंटेबल रहेगा, क्यों तुम इसने उसने वो काम नहीं किया, वो पब्लिक से खुश हो, ठीक है। ये है हमारे पार्लियामेंट का। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो पावर थे, वो पावर कैसे प्रिपरेशन होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।